ਲੋਕਾਂ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਣਗੇ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆ ਗਈ ਹੈ ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਝੜੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਝੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੱਜਣੋ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀਆਂ ਝੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਝੰਡੀ ਹੈ ਲੋਕੀ ਉਹ ਝੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨੇੜੀ ਆਵੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਵੇ ਤੇ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਾਰਾਂ ਤੇ ਰੋੜਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਝੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਲਮਹੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਝੰਡੀ ਵੀ ਪੱਕੀ ਪੱਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਬਾਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਦਸਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਏ ਉਹਨੇ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਝੰਡੀ ਲਾਈ ਏ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਏ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਝੰਡੀ ਵੀ ਪੱਕੀ ਪੱਕੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਏ ਇਸਲਾਮੀ ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਦ ਯਾਦ ਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ
ईद की खुशी करनी है तां शवाल नू याद रखिया है, वड्डी ईद करनी है तां जुलहज नू याद रखिया है, मुहर्रम च मातम करना है तां मुहर्रम नू याद रखिया है, रबीउल अव्वल विच ईद मिलाद नबी मनानी है तां याद रखिया है। बाकी सानू किसी महीने का पता नहीं और इस वजह तो असी मुश्किलात विच फसे हुए। हालांकि इस्लाम ने इस्लामी महीनों नाल साडियां बड़ियां इबादतां जोड़ियां ने, रोज़ियां दा ताल्लुक इस्लामी महीनों नाल, ईदां दा ताल्लुक इस्लामी महीनों नाल, हज दा ताल्लुक इस्लामी महीनों नाल, बहुत सारिया चीज़ा इस्लाम दियाँ वो इस्लामी महीनों नाल जुड़ियां। लेकिन चूंकि असी दूर हाँ इस वास्ते असी मुश्किलात अंदर हाँ, हुण ईद का हिसाब ला लो, रात के 12 बजे तक बंदा एक हाथ च कपड़े वाला सूट तो दूसरे हाथ च दही वाला डब्बा फड़ के खड़ा रहता है, पता नहीं हुण दही जमानी है कि कपड़े इस्त्री करने हैं, ना चंद नज़र आवे तो ना कोई फैसला हो, तो फिर रात के 11:30-12 बजे चंद चढ़ता है, चंद नज़र नहीं आता चढ़ता है, क्योंकि नज़र आने का टाइम तो मगरब तो बाद है ना, मगरब तो अद्धा पौना घंटा घंटा बस इन्नी देर च ही नज़र आता है, जिहड़ा रात के 11:30-12 बजे होंगे ना वो तो चढ़ता ही है। हालांकि इस्लाम हमें ये तालीम देता है कि जब नया चांद नजर आए तो उसको देख कर ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमनी वल ईमान वस्सलामती वल इस्लाम रब्बी वरब्बुकल्ला, ये दुआ भी भुल गई ते अपने मकान की छत ते चढ़ के या बाहर खुली जगह ते खलो के चन्न वेखण वाली सुन्नत भी मोक गई, कोई नहीं वेखदा, जिदी वजह तो असी मुश्किलात अंदर। बस इसे कर्ज़ो गायत के तहत मेरा इरादा बनिया कि मैं तुहानू इस्लामी महीनों का तारफ करवाऊं, नाल तुहानू दसा कि हुरमत वाले महीने केड़े केड़े ने, ताकि जुमा पढ़ के तुसी बाहर जाके ये लोगों दसो भी भाई असी अज महीनों का सानू पता लगा है, ये ना आखो भी अज असी नवा दोड़ा सुन के आए हैं, क्योंकि मौलवी तो फिर रबीउल अव्वल च नवें दोड़े याद करते हैं तो नवें दोड़िया की रिकॉर्डिंग करवाते हैं, फिर नवें दोड़े सुना के तो फिर उन्होंने कहते हैं भी हम इन्हों की तशहीर करो, पता लगे भी रबीउल अव्वल का तोहफा आ गया, हम इस्लाम से भी दूर जा रहे हैं, शरीयत से भी दूर जा रहे हैं, अल्लाह हमें समझ दे, तुहानू बाद चो दे सानू पहले दे। तो आइए तवज्जो कीजिए, गौर कीजिए, इस्लामी महीनों का मैं तारफ तुहाडी खिदमत अंदर पेश करांगा, उहदे लई तुहाडी मुकम्मल तवज्जो की जरूरत होएगी। अल्लाह पाक की बारगाह के अंदर दुआ है, मैं जो कुछ बयान करा अल्लाह मेरे समेत सानू सारिआं नूं उहदे ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। मेरे गुरुजां दे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीनाए पाक ते नाज़िल होण वाला अल्लाह दा कुरान बयान करदा है, फरमाया इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाह इस्ना अशरा शहरा फी किताबिल्लाही यौम खलक समावाती वल अर्द मिनहा अरबअतुन हुरुम ज़ालिक दीनुल क़य्यिम। फरमाया कायनात के लोगों,
जदो तो अल्लाह पाक ने जमीन आसमान बनाया है उदो तो अल्लाह पाक ने महीनिया की गिनती 12 बनाई है 12 और इन 12 दे विचों अल्लाह पाक ने 4 महीने हुरमत वाले बनाए ने ज़िलकादा हुरमत वाला ज़िलहज्जा हुरमत वाला मुहर्रम हुरमत वाला अगे जाके कर रजब का महीना हुरमत वाला इन्हां दी तफसील मैं के जाके जिक्र करांगा हजरात दे दीवकार इंसान की जिंदगी नाल तारीख का बड़ा गहरा ताल्लुक है तारीख तो बगैर बंदा चल नहीं सकता दसना पैंदा है फलां काम मैं कदों करांगा केड़े दिन करांगा फलां काम कदों आ फलां तारीख नूं आ जदों तो अल्लाह पाक ने इंसान नूं बनाया है उदों दा तारीख दा सिलसिला चल रहा है अलबत्ता हर दौर अंदर तारीख दा अंदाज वखरा वखरा रहा है सैयदना हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत तो पहले की दुनिया मुअर्रिखीन लिखते ने हजरत ईसा की विलादत तो पहला इंजा कहा जाता सी फलाना वाकया इन्ने साल कबल मसीह वाके होया यानी हजरत ईसा की विलादत तो इन्ने साल पहले वाके होया सैयदना हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों पैदा हो गए फिर तारीख दान लिखन लग पे फलाना वाकया हजरत ईसा की विलादत तो इन्ने साल बाद पेश आया चलदियाँ चलदियाँ जमाने ने करवट लई मक्का मुकरमा खाना काबा नूं ढाण वास्ते अब्रहा काफर अपने हाथ ही लैके आया अल्लाह पाक नूं तबाहो बर्बाद कर दिता वो वाकया हर बंदे नूं याद रहा तारीख ने फिर इंज लिखना शुरू कर दिता फलाना वाकया वाकया फील तो इन्ने साल बाद पेश आया जमाने ने और करवट लई नबी पाक कर सलाम की विलादत हो गई मुअर्रिखीन ने फिर इंज लिखना शुरू कर दिता फलाना वाकया अल्लाह दे नबी की विलादत तो इन्ने साल बाद पेश आया जमाने ने और करवट लई मेरे पैगंबर ने नबुव्वत दा ऐलान फरमाया मुअर्रिखीन ने इंज लिखना शुरू कर दिता फलाना वाकया अल्लाह दे नबी दे ऐलान नबुव्वत तो इन्ने साल बाद पेश आया जमाने ने और करवट लई अल्लाह अल्लाह मेरे पैगंबर मक्क्यों हिजरत करके मदीने तशरीफ लै गए फिर मुअर्रिखीन ने इंज लिखना शुरू कर दिता फलाना वाकया हिजरत तो इन्ने साल बाद पेश आया चलदियाँ चलदियाँ सैयदना हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला दा ज़माना आया इस्लाम की तारीख इस्लाम का दायरा 24 लाख मुरबा मील तक फैल गया हजरत उमर कैपिटल के अंदर बैठ के मदीना मुनवरा के अंदर बैठ के एक हुक्म जारी कर दे हुक्म जनाब कासद को दे दे कासद हुक्म लैके 24 लाख मुरबा मील तय करके दूर पहुँचता पता ना लगता ये हुक्म केड़े दिन लिखा गया इस हुक्म को केड़े दिन नाफज करना है सैयदना हजरत अबू मूसा शारी रज़ी अल्लाहु तआला ने मशवरा दिता अमीर मोमिनीन जी आपानू चाहिए साल भी तय करिए महीना भी तय करिए दिन भी तय करिए और डेली की बुनियाद ते तीन चीज़ा अपडेट होया करन ताकि पता लगे फलाना हुक्म फलाने दिन हुक्म सादर होया है फलाना हुक्म फलाने दिन लागू होया है आपने मजलसे शूरा नूं बुलाया
लाहौर मदरसे शूरा के अंदर मशवरा किया सैयदना हजरत अलीजुल मुर्तदा रज़ियल्लाहु तआला फरमान लगे अमीर अल मोमिनीन जी आपां नूं चाहीदा है हिजरत तो आबाद कर दे ये तारीख दा फलानी हिजरी जिवें ईस्वी चलती है ना है 2023 चलता पिया इवें आपां हिजरी तय कर लईए इन्नी हिजरी तय हो गया लिहाजा अज तो बाद साल हिजरी तो गिणिया जाएगा ते साल दा आगाज केड़े महीने तो कीता जाएगा हजरत अलीजुल मुर्तदा फरमान लगे अल्लाह दे नबी ने हिजरत दा इरादा मुहर्रम दे महीने अंदर फरमाया सी लिहाजा पहला महीना मुहर्रम दा गिणिया जाएगा तय हो गया इस्लाम दा पहला महीना मुहर्रम तो शुरू होएगा इस्लाम दा साल मुहर्रम तो शुरू होएगा और हिजरी अल्लाह दे पैगंबर दी हिजरत तो शुरू की जाएगी लिहाजा उदो तो लग अज तक हजरत दी वकार 1445 हिजरी इस वक्त चलती पई है यानी अल्लाह दे पैगंबर नू हिजरत कीतियां 1445 साल गुजर चुके ने हजरत दी वकार इंज करके जनाब तारीख दा और सन दा आगाज कीता गया अल्लाह पाक कुरान पाक अंदर फरमांदे ने इन्ना इद्दत शुहूरी इंदल्लाह इसना आशरा शहरन फी किताबिल्लाही यौमा खलक समावाती वाला अर्द मिनहा अरबातुन उरुम ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين करके इस्लामी तारीख दा ते साल दा आगाज चल पिया इब्तिदा हो गई ओ इस्लामी साल जिहड़ा साडा साल है जिंदा सानू याद ही नहीं पता ही नहीं ख्याल ही नहीं अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना कदरा ते जीवकार बात बंदे कहंदे ने लो जी अंग्रेजी तारीख समझना आसान है इस्लामी तारीख समझना मुश्किल है अच्छा किवें आखिर अंग्रेजी तरीक कि सौखी है 2023 चलता पिया है अज फलानी तारीख चलती पई है हजरत दी वकार इस्लामी तारीख जानना मुश्किल काम है इस्लामी तारीख जानना आसान काम है किवें भला अंग्रेजी तारीख का पता बंदे नूं लगेगा कैलेंडर तो अगर कोई बंदा कैलेंडर पढ़ना नहीं जानता उन्हें अंग्रेजी तारीख का पता नहीं लग सकता या बंदा किसी ऐसी जगह पर मौजूद है उत्थे घड़ी भी कोई नहीं और उत्थे जनाब कैलेंडर भी कोई नहीं वो किवें पता करेगा अज तारीख किन्नी है अज महीने का किहड़ा हिस्सा जांदा पिया उन्हें कभी पता नहीं लग सकता लेकिन इस्लामी तारीख एडा जबरदस्त अल्लाह पाक दा निदाम है बंदे कोल कैलेंडर होवे भावें ना होवे घड़ी होवे भावें ना होवे बंदा तारीख दा पता लै सकदा किवें अल्लाह दा रात दा टाइम है बंदा अपनी नज़र आसमान वल उठाए चन्न वल वेखे चन्न तो बंदे नूं पता लग जाएगा महीने दा पहला हिस्सा जांदा पिया या दरमियाना जांदा पिया या महीने दा एंड वाला हिस्सा जांदा पिया जिहड़ा चन्न है वह बंदे नूं हर तरह की मालूमात देंदा है हर तरह का तरीका दसदा है हत्ता के चन्न तो जनाब तारीख का भी पता लग सकता है महीने की तादाद का भी पता लग सकता है इस वास्ते हज़राते दी वकार याद रखिए सब तो आसान तरीन तारीख से
सिर्फ अंग्रेजी नहीं बल्कि इस्लामी तारीख है। आओ इस्लामी तारीख वाल, आओ इस्लामी महीनिया वाल। अल्लाह अल्लाह, पहला महीना इस्लामी साल का पहला महीना केड़ा है भला? केड़ा भला है? मुहर्रम। अल्लाह अल्लाह, इस्लाम का याद रखिया जे। हर महीना ताड़े को पुछागा जिहड़ा तुहानू ना आया मैं दस देवगा, जिहड़ा मैनू ना आया तुसीं दस दिया है। आप रल मिल के जनाब गल समझ लांगे ताकि महीने याद हो जाए। और एक कल्ला याद ना करिया जे, अपनी जिंदगी के मामलात इस्लामी महीनों के मुताबिक भी करने कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो करना हजरत जी, वकार गौर करते जाना दराओ। इस्लाम का पहला महीना, इस्लामी साल के पहले महीने का नाम है मुहर्रम। मुहर्रम माना हुरमत वाला, हुरमत का माना इस अंदर लड़ाई करना जायज नहीं, इस अंदर जंग जायज नहीं, इस अंदर किताल जायज नहीं, इस अंदर जनाब किसी को मारना जायज नहीं, ते अंदर अपने आप को भी मारना। बोलो, समझ आई के कोई ना? आ गई नहीं आई तो कल नू आएगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तवज्जो करना दराओ। इस मुहर्रम दे अंदर ना किसे नू मारना जायदे, ना अपने आप नू मारना जायदे। इहदी तज़ीम बड़ी ज्यादा कीती जानी चाहीदी है। काफर भी मुहर्रम की बड़ी कदर करिया करदे सन। जदों मुहर्रम दा महीना आ जांदा, दो जमातां दो काफरां दे कबीले आपस अंदर लड़दे हुंदे, भला की करदे? वह लड़ाई बंद कर देंदे ते कहिंदे भाई मुहर्रम आ गया, लिहाजा लड़ाई बंद, हुण लड़ना नहीं। हत्ता के जिहड़े दो कबीले आपस अंदर लड़दे सन मुहर्रम दे अंदर, एक दूसरे के शहरां विच भी चले जांदे, उहनां नूं कोई कुछ भी ना कहिंदा। इन्नी इज्जत करदे ओ लोग मुहर्रम दी, साढ़े कोल नहीं हुंदी, असीं ते नहीं करने आ। असीं लड़ी भी जांदे आ, असी मरी भी जाने, ते मारी भी जाने। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो करना। मुहर्रम इतनी अजमत वाला महीना है कि मेरे नबी ने फरमाया शहरुल्लाहिल मुहर्रम, मुहर्रम अल्लाह का महीना है, मुहर्रम अल्लाह का महीना है। अल्लाह अल्लाह, मैं कुर्बान जावा, तवज्जो करना हजरत जी, वकार गौर करते जाना दराओ। माहे मुहर्रम दा दस दा रोजा, यानी यौमे आशूरा दा रोजा मेरे पैगंबर ने रखे है, रखण दा हुक्म दिता है। यह गल जरा सुनने वाली है। नबी पाक मदीने मक्यों हिजरत करके मदीने आए, ते मेरे नबी ने वेखिया यहूदी दस मुहर्रम दा रोजा रखते ने। आपने फरमाया और तुसी क्यों रोजा रखते? वो कहते ने जी दस मुहर्रम हराम नू अल्लाह पाक ने हजरत मूसा नू फिरौन तो आजादी अता की थी। असी तां शुकराने वास्ते रोजा रखने आ, यानी अल्लाह पाक ने मूसा पैगंबर नू आजादी दिती, असी आजादी दी खुशी रोजा रख के मनाने आ। फैसला बाबिया गल समझण वाली है, यहूदी आजादी की खुशी रोजा रख के मनाता है, तो असी की करने आ? आज जश्न आजादी है, धियां भैणां बाहर कर लिया, चिट्टे ते हरे सूट पवा दिते, उन्हां दियां गल्लां ते पाकिस्तान दे झंडे बनवा दिते, उन्हां नूं अपने नाल लैण करो अंदर बिठा के पूरे फैसलाबाद नूं विखाया। अल्लाह अल्लाह, कादी आजादी की खुशी है, डुब के मर जाना चाहीदा है। अल्लाह अल्लाह, आजादी है साढ़े नो तो उस दौर का यहूदी चंगा है जोड़ा आजादी के मौके पर रोजा रख के वखादा है। मेरे पैगंबर मक्के आए, मक्का फता हो गया, अल्लाह पाक ने मेरे पैगंबर को काफर तो आजादी दी थी, तो मेरे नबी ने आजादी की खुशी पता किमें मनाई है? नबी पाक मक्के च दाखल हुए ने, तो मेरे पैगंबर बैतुल्ला बिच आके सजदे की जाते शुकराने दे नफल पड़ी जाते ने। मेरे पैगंबर दे यार रोई जाते ने, अल्लाह पाक के शुकराने दे सजदे कीते जाते ने। मेरे नबी ते
खुशी वेख के 2000 काफर मुसलमान हो गया। 2000 काफर ने कलमा पढ़िया मुसलमान हो गया दादी की खुशी वेख के। ते अज उम्मतियां दा हाल इंज दा है, असी आजादी की खुशी इंज मनाने आ के काफर कहिंदे ने तौबा तौबा तौबा, ये मुसलमान ने वजा में तुम हो नसारा तो तमतन में हो, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माई हो। अल्लाह 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 पाक सन समझता फरमाए उची आमीन आखो। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना खतरा तेजी वकार लिहाजा 10 मुहर्रम हराम दा रोजा। अल्लाह अल्लाह 10 मुहर्रम नु असी भाबियां खास कर रोजे रखे सन ते असी कईयां जगह तो गुजरे ना ते बेली खलोते सन जग पानी ते लाके इंज गड्डी रोकते सन इंज जिवें ना ट्रैफिक वाले ने चलान कटना हुंदा है खुण ठंड गड्डी। अल्लाह धक्के नाल पानी पे पिया देने वो क्यों पानी पिया पिया ने चन्ना वजह की है अखे हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तन प्यासे सन ता प्याना कमलिया हो प्यासे सन तू पानी पियाई जाना है। मेरे पैगंबर ने वाकया करबला तो 60 साल पहला और रोजे दी तालीम दे दीती है लिहाजा मैं ती आखिया ही मुहर्रम दी अंदर दी अज भी आखांगा असी 10 मुहर्रम दा रोजा रख के नाले कमली वाले दी सुन्नत दी अमल करने आ नाले लोगों नू दसने आ कल हुसैन प्यासा सी अज हुसैनी प्यासा है। हम इसलिए रोजा रखते और मेरे पैगंबर ने फरमाया मैं यहूदियों की मुखालफत करूंगा तुम 10 का रखते हो मैं 7 9 का भी रखूंगा 10 का भी रखूंगा। अल्लाह सानू भी तौफीक दे। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना खदरा तेजी वकार गौर करते जाना दराओ मुहर्रमुल हराम दी हुरमत ते फजीलत मैं जिक्र की थी बड़े दे अंदर पेश आने वाले अहम वाकियात। मुहर्रम दे अंदर पहला वाकया किड़ा पेश आया सैयदना हजरत उमर बिन खत्ताब को रज़ियल्लाहु तआला दी शहादत दा वाकया मुहर्रमुल हराम अंदर पेश आया। आप दुनिया तो तशरीफ लै गए और मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख नो सैयदना हजरत हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह तआला की शहादत दा वाकिया पेश आया। हजरत दी वकार हम हुसैन को भी मानते हैं हुसैन की शहादत को भी मानते हैं अहले बैत को भी मानते हैं आले रसूल को भी मानते हैं और अहले बैत को भी मानते हैं आले अकील और आले मोहम्मद को भी मानते हैं। फर्क सिर्फ इतना है लोग आहले बैत को तो मानते हैं आहले बैत की नहीं मानते हैं। अल्लाह दे फजल नाल हम आहले बैत को भी मानते हैं आहले बैत की भी मानते हैं। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना कदरा तेजी वकार सी मानने अल्लाह दे फजल नाल ते मानते रहेंगे को इंशाल्लाह। अल्लाह मैं ते जगह जगह आखिया है बहादियां दे कोलों है मैं दूर ना तू जा नेड़े बह के सुन साडे दिल दी सदा सहाबी रसूल साडे दिल दी है चा सहाबी रसूल साडे दिल दी है चा कसम खुदा दी सब तेरा दी है खुदा हसन हुसैन साडे दिल दी है चा कसम खुदा दी सब तेरा दी है खुदा सिद्दीक ते फारूक साडी अखियां ते तारे ने हैदर उस्मान सानू जान तो भी प्यारे ने मुआविया दे शान नो तो है में न घटा कसम खुदा दी सब तेरा दी है खुदा। और गल सुन लो अली दियां बच्चियां दी बड़ी उच्ची शान है ओना दी ओ शान विच रब दा कुरान है पढ़ लै कुरान साडे नेड़े नेड़े आ कसम खुदा दी सब तेरा दी है खुदा। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना हलाते दी वकार
माहे मुहर्रम अल हराम अंदर हजरत दी मौलाना हाफिज अब्दुल्ला शेखपुरी रहमतुल्ला अलैह उन्हां दी वफात दी मुहर्रम दे महीने अंदर होई है। और भी बड़े वाकियात ने लेकिन मैं 12 महीने जिक्र करने ने मैं अगे चला। हजरत दी वकार मुहर्रम तो बाद अगला महीना केड़ा आया भला सफर। अगला महीना सफर दा, सफर दा माना की है? सफर दा माना करन वास्ते सफर दी स्वाद थले जेर ला दियो ते माना बन जाएगा। सफर दा माना सिफर है, सफर दा माना सिफर है, यानी खाली। अरब लोग माहे सफर दे अंदर अपने घर छड़ के तिजारत वास्ते निकल जा करते सन। दूर दराज के इलाकियां के अंदर तिजारत वास्ते चले जाते, घर वेले हो जाते, शहर वेले हो जाते। अरब लोगों ने इसका नाम सफर रख दिता खाली, यानी उस महीने में घर खाली हो जाते ने। इन्होंने ना तां करके इसका नाम सफर रखी है। हजरत जीवकार तवज्जो करना, सफर महीना लोग मनहूस समझते ने। आखे सफर का महीना नैश हों मार दता, सफर का महीना मनहूस हों मार दता। ना ना खतरा तेजी वकार माहे सफर मनहूस ना समझिया करो, माहे सफर नैश ना समझिया करो। नबी पाक ने फरमाया ला आदमा बंदा आपती आराम बंदा हामा बला सफरा। फरमाया कोई बीमारी मुतद्दी नहीं होती, यानी एक बंदे तो दूसरे बंदे को बीमारी नहीं लगती। ये सारिया गलत हवावान ने, ये सारे झूठ बोले जाते हैं। आखिर एक बंदे तो दूसरे बंदे को बीमारी लग जाती है, पर बंदे को टीबी होती है, बंदे को शुगर होती है। बेगम सारी जिंदगी ना रही तो नहीं होती टीबी, बेगम तो ज्यादा करीब बंदे से किड़ा होता है। ये सब तबाहमात हैं, ये सब ड्रामे ने सिर्फ लोगों के दिल च डर पाण दे। अल्लाह अल्लाह वला आदाबा कोई बीमारी मुतब्दी नहीं। अगे फरमाया बना दिया रहता फाल पकड़ना दुरुस्त नहीं। फाल पकड़ना की है इंज करके तीर सुट देना, इधर गया ते कम होएगा, इधर गया ते कम नहीं होएगा। फरमाया ये भी अकीदा दुरुस्त नहीं। अगे फरमाया बला हामा है जरा उल्लू जानवर उल्लू है ना, ये भी मनहूस नहीं होंदा, इनू भी बुरा नहीं समझना चाहिए। बला सफरा ते सफर का महीना भी मनहूस नहीं होंगे। अल्लाह तेरी बकार कोई सफर नु मनहूस कहता है, कोई उल्लू नु मनहूस कहता है। ना ना लोगो कोई महीना मनहूस नहीं, कोई जानवर मनहूस नहीं। मनहूस बंदा है जरा नमाज नहीं पढ़ता, मनहूस बंदा है जरा शिरक करता है, मनहूस बंदा है जरा जिना करता है, मनहूस बंदा है जरा बदकारियां करता है। मनहूस तुम्हें महीना मनहूस नहीं हो सकता, मनहूस तुम्हें अल्लाह की बड़ाई मखलूक मनहूस नहीं हो सकते। एवं साढ़े जनाब लंघिया जाद्या काली पीली अगो की लंघ गई, तो कहता हूँ कम नहीं होना। सुबह सुबह उधार किसी ने मंग लिया तो कहता जाओ नशा तू मथे लग गया काम सारा खरा। मेरे उस्ताद मोहतरम शेख उल हदीस मौलाना अब्दुल हलीम रहमतुल्लाह अलैह एक बड़ी प्यारी गल सुनाया कर सन। फरमाते एक बादशाह निकल गया शिकार वास्ते बाहर, सुबह सुबह का टाइम सी, अगों एक जटका जा माड़ा जा गरीब जा बंदा टकर गया। उन्हें आख्या भी बादशाह सलामत पे जाते ने सलाम करी एक हो गए। उन्हें आख्या जी बादशाह सलामत सलाम हो गए। कहना जा नशा मनूसा कितों मत्थे लग गए, हुण कारोबार ही नहीं चज नाल होना, शिकार ही नहीं होना, फड़ा इनू बंद करो। उन्हें फड़ के ताड़ दिता भी शिकार होना को नहीं, त्या के इनू फिर मांझा लावांगे। वह शिकार अगे नालों बहुता आया, वह वापस आए ना। बादशाह कहता है वह छड़ दो यार, उन्होंने तो बड़ा चंगा बंदा है, शिकार से पहले नाल भी ज्यादा है, और छड़ दो तो बंदा अच्छा है। उन्हें छड़ दिता। वह कह लगा जी मैं मैंने दो मिनट बादशाह नहीं बना दे। उन्हें जी बना दे। वह बादशाह के कोल गया जी किवें मैंने फड़िया। उन्हें अजी तेन फड़िया ताए भी सुबह सुबह मत्थे लगा तू मन घुसना में सू शिकार ना लभे, पर तू चंगा बंदा शिकार से पहले नाल बहुता लभ है, इस वक्त तेन छड़। उन्हें अजी बादशाह सलामत जी इजाजत दे तो मैं निकी जी गल ना कर ला। उन्हें अजी करो। उन्हें आ जी वेखो ना सुबह मैं भी घरों निकलिया तो तुम भी निकले, तुम मेरे मत्थे लगे तो मैं ताे मत्थे लगा, तो तहूँ शिकार अगे ना भी ज़्यादा आया, तो मैनू तो मेरे बच्चों की रोटी भी ना लभी, मेरे वास्ते सब तो वाला मनहूस तू है। हो तू बादशाह
ਹੋਏਗਾ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹਿਸ਼ ਹੈ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦਰਾਬਤੇ ਦੀ ਵਕਾਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਮਨਹੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਮਨਹੂਸ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਬੋਲੋ ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਯਾਦ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਈਦ ਜੋ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਵਕਾਰ ਮਾਹੇ ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਰਬੀ ਕਾ ਮਾਨਾ ਕਿਆ ਹੋਤਾ ਹੈ ਰਬੀ ਕੇ ਦੋ ਮਾਨੇ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਠਹਿਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਾਨਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਬਹਾਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹਾਰ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਅਰਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਅੰਦਰ ਮਾਹੇ ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਖਤ ਫੁੱਟਦੇ ਪੌਦੇ ਫੁੱਟਦੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਬਹਾਰ ਕਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੀ ਬਹਾਰ ਕਾ ਮਹੀਨਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਵਕਾਰ ਮਾਹੇ ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰੂਫ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਬਾ ਸਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਗਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਬਾਦੀ ਆਪ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੁਨ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਜਾਵਾਂ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਆਪ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਆਪ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਆਪ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਬਤ ਹੈ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਆਪ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਆਪ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਅਗਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੌ ਰਬੀ ਅਵਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਹਾਲ ਬਤਾ ਆਪ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਵਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਜੁੰਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆ ਗਈ ਹੈ ਰਬੀ ਅਵਲ ਲੋਕਾਂ ਜੁੰਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਝੜੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਝੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੱਜਣੋ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਆਹ ਵੇਖੋ ਹਮ ਵੀ ਝੰਡੀ ਲਾਈਏ ਇਹ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਝੰਡੀ ਹੈ ਲੋਕ ਉਹ ਝੰਡੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨੇੜੀ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਵੇ ਅਤੇ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੋੜਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਝੰਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਲਮਹੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਝੰਡੀ ਵੀ ਪੱਕੀ ਪੱਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਬਾਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਦਸਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਝੰਡੀ ਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਝੰਡੀ ਵੀ ਪੱਕੀ ਪੱਕੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਪੱਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਪੱਕੀ ਝੰਡੀ ਕਦੀ ਲਾਈ ਬੋਲੋ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕੋ ਹਰ ਵਕਤ ਮੁਹੱਬਤ ਹਰ ਵਕਤ ਪਿਆਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਇੰਜ ਨਾ ਆਖਿਆ ਕਰੋ ਝੰਡੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਗੁਸਤਾਖ ਹੋ ਕੇ ਮਾਤ ਅੱਲਾ ਨਾ 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 ਮੈਂ ਦੀਵਾਨਾ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਕਾ ਦੀ ਅਜ਼ਵਾਬ ਦੇ ਤਰਾਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪੜਦਾ ਫਿਰਨਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੀਤਲ ਕੋਮਲ ਬੋਲ ਤੁਮਾਰੇ ਐ ਬਤਾ ਕੇ ਰਾਜ ਦੁਲਾਰੇ ਐ ਬਤਾ ਕੇ ਰਾਜ ਦੁਲਾਰੇ ਚਿਹਰਾ ਕਾਰੇ
डारों प्यारे अल्लाह लाला शायर कहता है नबी पाक सलातो सलाम दे जबान चो निकल वाली गल्लां एडियां मिठियां ने एडा ते ठंडा ते मिठा पानी भी मिठा नहीं जिन्हियां नबी पाक दियां गल्लां मिठियां ने और वो कहता है नबी पाक दा चीरा इंजे जिवें चौल पीरा दा चन हुंदा है ते आप दियां जुल्फां इंज ने जिवें काले बादलां घटाया छाइयां हुंदियां ने ते कहता जे मैनूं कमली वाले दे कदमां दी धूल लभ जावे मैं कमली वाले दे कदमां दी धूल नूं अपना सुरमा बना लवां अपनियां अखां विच पा लवां अल्लाह ते दी वकार मुहब्बत बड़ी है प्यार बड़ा है कमली वाले दे नाल मैं ठार पंजा कमली वाले दी जात तो मैं सदके जावां कमली वाले दी जात तो मैं कुर्बान जावां मीना दे दुरे यतीम तो मैं दिलो जानो रूहानी मानी तौर ते कुर्बान जावां आमीना दे दुरे यतीम दी जात पाक तो सोने दा नाम आवे मैं ठार पंजा कमली वाले दे नाम तो मैं कायनात दीआं दौलतां कुर्बान कर देवां आप दे करो कि हम मोहब्बत नहीं करते झंडियां नहीं लाइया ते मोहब्बत नहीं की ये तो गलत गल है ना अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा अल्लाह दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम वैसा है दिलों से गम मिटा दिलों से गम मैं बाबर करवाना चाहना मैं इस जुमा में आए हुए अपने उन भाइयों तक पैगाम देना चाहता हूँ जिन्ना दे ज़हन च गल पाई भाभी ये तो झंडियां ही नहीं ला दे ए, कोई नहीं मोहब्बत कर दे भाई यारो मैं तुहाडे दिलां विच पैगामे मोहब्बत पाण दी कोशिश कर रहा दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम वैसा है सल्लल्लाहु सल्लम दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम वैसा है नगरी उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम वैसा है अल्लाह से भी मिलाता है मोहम्मद नाम वैसा है इन्हीं के दीन से पाई फकीरों ने भी शहनाई फकीरों ने भी शहनाई जहन्नम से बचाता है मोहम्मद नाम वैसा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ते दी वकार माहे रबीउल अव्वल तो बाद हाँ अल्लाह दे नबी ने अपनी विलादत वाले दिन रोजा रखिया तुसी भी रखो रखो सारे रोजा अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना ते रोजा रख लिया ते फिर हलवा कौन खाएगा है अल्लाह अल्लाह सारिया गल्लां पई नहीं समझिया अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना रबीउल अव्वल तो बाद अगला महीना आया ओदा नाम है रबीउल सानी माना होइए जिहड़ा रबीउल अव्वल दा है अल्लाह ते दी वकार रबीउल सानी तो बाद अगला महीना आया जमादुल अव्वल या जमादा उड़ा जमद का माना किसी चीज का रुक जाना जम जाना सर्दी की वजह तो पानी जम जमदे पानी रुक जमदे अरब दे इलाके दे अंदर तां उन्हां ने इस महीने दा नाम जमादा उड़ा रख दिता या जमादुल अव्वल रख दिता अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दी वफात भी इस महीने अंदर हुई है
ਤੁਮੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਬਾਦ ਨੇ, ਤੁਮੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਜਨਾਬ ਸ਼ਹਿਦਾਈ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਬੇਟੇ ਹਾਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਾਂਗੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜਮਾਤੂ ਦਾ ਖਰ ਮਾਣਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੋਈਏ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਤੂ ਦਾ ਮਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਹਿਮ ਵਾਕਿਆਤ ਕਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ ਆਏ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰੋ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਫਰਮਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੈਰਤ ਦੇ ਦੇ। ਆਮ ਤੇ ਦੁਆ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਬੈਤੁਲ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਲਾ ਬੈਤੁਲ ਮਕਦਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦੇ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਦੁਆ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ, ਮੈਂ ਦੁਆ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੈਰਤ ਦੇਵੇ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਗੈਰਤ ਦੇ ਦੇ, ਸੁੱਤੇ ਜੋ ਪਏ ਹਾਂ, ਆਰਾਮ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੈਸਟ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੌਜਾਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਗੈਰਤ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਅਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਵਕਾਰ ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਮਾਹੇ ਜਮਾਤੁਲ ਆਖਰ ਮੇਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਰੀਫ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਅਲੈਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਖਤੀਬ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਖਤੀਬ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ ਵੀ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੋ, ਇਸਲਾਮੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਅਸਲਾਫ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਅਸਲਾਫ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਜਮਾਤੁਲ ਆਖਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਬਕਾਰ ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ, ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਕੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਰਜਬ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ ਰਜਬ ਦਾ, ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ ਰਜਬ ਦਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਕਾਰ ਰਜਬ ਵੀ ਹੁਰਮਤ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਹੁਰਮਤ ਮੁਹਰਮ ਦੀ ਉਵੇਂ ਹੁਰਮਤ ਜਨਾਬ ਰਜਬ ਦੀ। ਰਜਬ ਕਾ ਮਾਨਾ ਤਾਜ਼ੀਮ, ਰਜਬ ਕਾ ਮਾਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰਜਬ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਹੁਰਮਤ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਕਾਰ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਮਾਹੇ ਰਜਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਾਹੇ ਰਜਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਬਕਾਰ ਸੈਯਦਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵਿਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਭਾਈ ਰਜਬ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵਿਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੀਰੋ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵਿਆ, ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਨਾਬ ਸਿਪਾਹੀ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵਿਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਕਾਤਿਬ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਖਦੀ ਸੱਚੇ ਖੱਬੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ, ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਚੰਦ ਕਲਮੇ ਰੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਅਮੀਰੇ ਮੁਆਵਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਸਣ ਕਰੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰ। ਅੱਲਾ 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 ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰਨਾ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਦੋ ਕੰਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਦੋ ਕੰਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਚਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੋ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐ ਕੁਰਾਨ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੇ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖੇ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਖੋਲ ਕੇ ਆਖੇ ਉਹਦੀ ਮੰਨਣੀ। ਇਹ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਖੋਲ ਕਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜੋ ਖੋਲ ਕਰ ਬਤਾਏ ਉਸਕੀ ਮਾਨੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਵਕਾਰ
रजब दे कुंडे हकीकत अंदर हजरत अमीर माविया दे दुश्मना दी रसम बनाई हुई है। अमीर माविया रजी अल्लाह तआला दी वफात दी खुशी करते ने ते नाम रजब दे कुंडे दिते हुए ने। हजरत जीवकार ये नहीं चलेगा इंशाअल्लाह जदों तक पैगंबर दे सहाबा दे दीवाने परवाने जिंदा ने। सारे सहाबा दी अजमत बयान हुंदी रह गई, अमीर माविया दी अजमत दा भी जिक्र हुंदा रहेगा। मैनो कर पाक मुआविया दा मेरी जिंद ते जान मुआविया है, मेरे दिल दी धड़कन मुआविया है, मेरा दीन ईमान मुआविया है। मैनो कर पाक मुआविया दा हम शीर जदे हम शीर जदे हम शीर जदे मेरे नबी दी बीवी मेरी तुहाडी मां हम शीर जदे सौजाए नबी ते उम्मत नबी दा माम है। मेरे पाक नबी दा सहाबी है, मेरे पाक नबी दा सहाबी है, नाले कारिए कुरान मुआविया है। तवज्जो करना हजरत जी बकार भाई रजब सैयद हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह खुदाम दी जनाब वफात दा वाकिया। रजब दी जनाब रजब दे कुंडियां दी कोई हैसियत नहीं, और जनाब रजब दे अंदर ही मौलाना मोहम्मद हुसैन शोहरी रहमतुल्लाह अलैह ओ भी इस तारे फानी रुखसत होए ने। इस माह रजब दे अंदर रजब तो बाद अगला महीना है शाबान। शाबान का माना टुकड़े 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 टुकड़े, क्योंकि रब दे लोग माए शाबान दे अंदर बखरे बखरे हो जाते काफलिया की शक्ल अंदर। ए तजारत का काफिला शाम जा रहा है, ए तजारत का जनाब काफिला ईरान जा रहा है, ए तजारत का काफिला इराक जा रहा है। सारे रब दे लोग मुख्तलिफ जनाब काफलिया दे विच टुकड़े टुकड़े हो जाते, तां इहदा नाम शाबान रख दिता गया। हजरत दी बकार माए शाबान दे अंदर एक जनाब रात जिस रात पटाके बड़े वजदे ने, जिस रात ठा 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 पई हुंदी ए की हो रिहा जी, ए जी ए बरकत वाली रात है जी, ए बरकत वाली रात दी इज्जत पई हुंदी है। ये लैलतुल मुबारक है, लैलतुल मुबारक दी इज्जत है। ठा ठा करो पटाके मारो, बुढ़िया बाबियां नूं परेशान करो, सुते लोगों नूं परेशान करो। जिसे शबे बरात का नाम दिया जाता है, इस्लाम में शबे बरात नाम की कोई चीज नहीं है, और जो इसकी फजीलत पे जो रवायात पेश की जाती हैं वो सारी की सारी वो रमजानुल मुबारक की लैलतुल कदर की रात है। लैलतुल मुबारक का कौन सी रात है? इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, ये लैलतुल कद्र है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, हाँ अलबत्ता एदी फजीलत इन्नी जरूर है, अल्लाह दे नबी ने सब तो ज्यादा रोजे इसे महीने विच रखे ने। कसरत ना रोजे नबी पाक सलातो सलाम रख दे रहे इस महीने दी अंदर। हजरत दी वकार हत्ता के जदों शाबान एंड ते पहुंचदा उदों नबी पाक रोजे रखने छड़ देंदे। अल्लाह दे नबी ने शाबान दी जनाब एंड वालियां तारीखां नूं सलामी नहीं है, गैर सलामी रोजा है, एदी कोई शरीयत बल्कि मना किया नबी पाक ने। आपने फरमाया रमजान से एक दो दिन पहले का रोजा न रखो। पता नहीं कई बंदे ठेका चुकिया नबी पाक की हर गल की मुखालफती कर दी। कलमा हरे का तो पढ़िया, कलमा इस बात से पढ़िया कि जिवें नबी पाक कहने का उल्ट करना है। सलामी रोजे की कोई असीयत नहीं, सलामी रोजे की इतनी असीयत है कि यह गैर सलामी है। अल्लाह अल्लाह जवाब दे कोई रोजा नहीं, हाँ
एक बंदा जुमेरात का रूटीन ना रोजा रखता है तो रमजान तो एक दो दिन पहला जुमेरात आ गई है वो रख सकता है स्पेशली तौर पर तमाम करके शाबाम दे एंड ते सलामी रोजा करके रखना है दुरुस्त नहीं इहदे तो अल्लाह दे नबी ने मना फरमाया है शाबाम तो बाद अगे रमजान आ गया रमजान रमद में से है रमद माना गर्मी क्योंकि गर्मी बड़ी ज्यादा पैन लग जाती ताए दा नाम रमजान रख दिता गया रमजान की फजीलत अल्लाह ने जिंदगी रखी थी रमजान अंदर बयान करांगे शहादत रमजान मुबारक अंदर हुई सय्यदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दी वफ़ात रमजान मुबारक अंदर हुई खतीबे एशिया हजरत मौलाना कारी अब्दुल अज़ीज़ साहब फैसलाबादी रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दी वफ़ात भी रमजान मुबारक के अंदर हुई रमजान तो बाद अगला महीना है शवाल दा माना मस्त होना क्योंकि शवाल के अंदर जड़े ऊंट सन मस्त हो जाए करते सन रब दे उस महीने का नाम शवाल रख दिता गया शवाल की फजीलत दे इधरों शवाल चढ़ता जाता है साढ़े लिए खुशी लैके आता है शवाल की पहली तारीख ईद उल फितर होती है असी खुशी करने असी कवे कपड़े नवे पहनने असी खुशबू लगा के अल्लाह पाक की बारगाह के अंदर आदर होने पर शवाल के छे रोजे भी ने जिन्ना दे रखण दा नबी पाक ने हुक्म दिता है शवाल तो बाद अगला महीना अल्लाह दी वकार ज़िलका दा आया ज़िलका दा का माना बैठने वाला सारे तजारत करने वाले लोग ज़िलका दा अंदर वापस आके अपने घरां विच रेस्ट करते बह जाते ताए दा नाम बैठने वाला रख दिता गया ज़िलका दा ज़िलका दा दी असमत वे मेरे नबी ने तीन उमरे ज़िलका दा विच कीते ने ज़िलका दा अंदर अल्लाह दे फ़ज़ल ने त्रै उमरे फरमाए ज़िलका दा तो ਇਹ ਵੀ ਹੁਰਮਤ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਇਹਦੀ ਵੀ ਹੁਰਮਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੁਹਰਮ ਕਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਨਾਬ ਰਜਬ ਦੀਏ ਅੱਗੇ ਮਹੀਨਾ ਆਇਆ ਜ਼ਿਲਹੱਜਾ ਜ਼ਿਲਹੱਜਾ ਕਾ ਮਾਨਾ ਹੱਜ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਹੱਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿਲਹੱਜ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦਸਰਾਤਾਂ ਦੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਅੰਦਰ ਕਸਮ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਵਲ ਫਜਰ ਵਲਾ ਯਾਦ ਨਾਸ਼ਰ ਮੁਝੇ ਫਜਰ ਕੀ ਕਸਮ ਹੈ ਔਰ ਮੁਝੇ ਦਸ ਰਾਤੋਂ ਕੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੁਫਸਰੀਨ ਫਰਮਾਤੇ ਹੈ ਇਨ ਦਸ ਰਾਤੋਂ ਸੇ ਮੁਰਾਦ ਮੁਹਜਨਾਬ ਜ਼ਿਲ ਹਜਾ ਕੀ ਪਹਿਲੀ ਦਸ ਰਾਤੇ ਹੈ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕੋਲੇ ਸਦਵਾ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲਾ ਹਜਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਹੱਜ ਕਰਾ ਦੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਪੀਰੋ ਸੱਜਣਾ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰਨ ਵਾਲਾ ਕੁਰਾਨ ਫਰਮਾਇਆ ਆਊਜ਼ੂ ਬਿੱਲਾਹਿ ਮਿਨਸ਼ ਸ਼ੈਤਾਨਿਰ ਰਜੀਮ ਇਨਨਾ ਇਦਦਤ ਸ਼ੁਹੂਰ ਇੰਦਲ ਤਾਇਸਨਾ ਅਸ਼ਰ ਸ਼ਹਰਾ ਸ਼ਖਰਨ ਫੀ ਕਿਤਾਬਿੱਲਾਹਿ ਯੌਮ ਖਲਕ ਸਮਾਵਾਤਿ ਵਲ ਅਰਦ ਮਿਨਹਾ ਅਰਬਅਤੁਨ ਹੁਰਮ ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਦੀਨੁਲ ਕਯੀਮ अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है मैं जो बयान किया तामत की तौफीक दे व आखिर दावा ना है।